स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी मामले में दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है कि स्वाति मालीवाल प्राइवेट गाड़ी से 13 मई को सीएम आवास गई थी। दिल्ली पुलिस को दी गई शिकायत में स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस के ड्राइंग रूम में मारपीट का जिक्र किया। उन्होंने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि जब वैभव ने उनके साथ मारपीट की तो वो चिल्लाई भी, जिसके बाद वैभव कुमार ने उन्हें सीएम हाउस से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद वो एक कैब से पुलिस स्टेशन पहुंची थी। तो सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल की पिटाई का मामला किसी रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बीच अभी तक इस मामले की जो तस्वीरें सामने आई है वो दाल में कुछ ना कुछ काला होने वाली कहावत को जरूर सच साबित कर रही है। देखिए रिपोर्ट। तेरह मई की तारीख से लेकर केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर तक के तारीखों के बीच कई घंटों का वक्त बीत चुका है, कई पड़ाव आ चुके हैं, लेकिन जो सच है वो पर्दों में दबा हुआ है, जो कहानी है वो रहस्यों में कैद है। यही वजह है कि चुनावों के बीच सीएम हाउस में हुई इस पिटाई कांड को लेकर सियासी दावपेच लगातार जारी है। प्रियंका गांधी जी का दो मुहापन एक बार फिर से उजागर हुआ है। लगातार वो कहती आई हैं कि मैं लड़कियों के साथ खड़ी हूँ, किसी भी पार्टी की लड़की के साथ खड़ी हूँ, लेकिन जब खुद के घर की बात आती है तो लंबी चुप्पी साध लेती है। आज वो कहती हैं आम आदमी पार्टी की बात घर की बात है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उनके साथ में साथी हैं, वो उनके साथ मिले हुए भ्रष्टाचारी लोग आज उनके साथी हैं, तो वो चुप्पी साध रही हैं। क्यों नहीं बोल रही, क्यों नहीं महिला के लिए खड़ी हो रही, कब तक ये दोगलापन चलता रहेगा? स्वाति मालीवाल ने कोई इन राइटिंग कंप्लेंट की है? फिर कोई कार्रवाई कैसे करोगे? स्वाति मालीवाल को बाहर आना चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए। वो विक्टिम हैं, जब तक वो कंप्लेन नहीं करेंगी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती कानूनी तौर पर। इसलिए अगर वो कार्रवाई चाहती हैं तो उनको रिपोर्ट करना चाहिए, तभी कोई कार्रवाई हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता तो इस इंतज़ार में रहते हैं कि उनको मौका मिले और विपक्ष को बदनाम करें। जब इस मामले में स्वाति मालीवाल की तरफ से पहली बार शिकायत की गई तो लिखित कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए संदेह का दायरा बढ़ता गया। लोग समझना चाहते थे कि क्या स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर पिटाई के जो आरोप लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है। ये सवाल उठ ही रहे थे कि 14 मई को आम आदमी पार्टी की तरफ से ये मान लिया गया कि हाँ, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की गई। खुद संजय सिंह ने इस घटना की निंदा की। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। संजय सिंह ने बात कबूल की तो बीजेपी ने मौके को हाथों हाथ लिया। 15 मई को दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन शुरू कर दिए गए। उनका मारपिटाई हुई, ये विषय उसका है और ये उनका अपने जो पीसीआर कॉल करी थी उस पीसीआर कॉल में बड़ा स्पेसिफिक लिखा, मैं सीएम के घर पर हूँ। उन्होंने मतलब केजरीवाल ने अपने पीए विवेक कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। पिटाई हुई, जो भी हुआ उसकी जाँच होगी, उन्होंने अगर कंप्लेन दर्ज करती उसकी जाँच होगी, फिर राजनीति का विषय नहीं है। और मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी उन पर दबाव बना रही है और कहना कि लिपा पोती की बात हो रही है कि नहीं विभव कुमार को शिकार बना लिया जाए, उसके ऊपर आरोप लगा लिया जाए। सच है कि केजरीवाल इसमें दोषी है, मुख्य दोषी इसमें केजरीवाल है। इस बीच महिला आयोग भी इस मामले में एक्टिव हो गया, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ था कि आखिर स्वाति मालीवाल कहाँ है और क्यों उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं कराई। आखिरकार 16 मई को कहानी में नया मोड़ आया जब स्वाति मालीवाल ने पिटाई कांड का पूरा सच बयां किया। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ स्वाति मालीवाल जी का कि उन्होंने पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई। दो दिन के बाद उन्होंने अपनी चुप्पी को तोड़ा। एक बहुत ही उन्हें मेहनत लगी होगी, किस प्रकार की वो ट्रॉमा से गुजर रही होंगी, ये सोचने की बात है कि ऐसी मजबूत महिला, इतनी पढ़ी लिखी महिला जो कि महिला आयोग की अध्यक्षा रह चुकी हैं और
अभी वो हमारी सांसद भी हैं राज्यसभा की, ये सोचने वाली बात है कि उन पे क्या बीत रही होगी। लेकिन इससे पहले 16 मई को ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक चौंकाने वाली तस्वीर आई, जिसमें आरोपी विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई दिए। वो विभव कुमार जिन पर स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस में पिटाई का आरोप लगाया था, ये तस्वीरें जब सामने आई तो केजरीवाल को लेकर सवाल खड़े होने लगे। ये सवाल तब और गहराने लगे जब अखिलेश और केजरीवाल की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति मालीवाल को लेकर सवाल किया गया तो केजरीवाल ने चुप्पी साध ली। अरविंद जी स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, आप क्यों जी आपके साथ? फिलहाल चुनावी समर के बीच हुई इस पिटाई कांड से जुड़े बहुत से सवालों के जवाब बाहर आना बाकी है।